दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल को सीएम पद से हटाने के लिए तीसरी बार दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका लगाई गई। इससे पहले दो बार हाई कोर्ट ने न्यायिक दायरे से बाहर बताकर पिछली दो याचिकाओं को खारिज कर दिया था। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से हटाने के लिए पूर्व आप विधायक संदीप कुमार ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी, जिस पर हाईकोर्ट ने टिप्पणी की है। हाईकोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा कि ऐसी याचिका पर तो जुर्माना लगाना चाहिए। जब ऐसी ही दो याचिका पहले ही हाईकोर्ट खारिज कर चुकी है तो इस याचिका का क्या मतलब रह जाता है। आम आदमी पार्टी के पूर्व विधायक संदीप कुमार ने पार्टी नेता केजरीवाल को उनकी गिरफ्तारी के बाद राष्ट्रीय राजधानी के मुख्यमंत्री को पद से हटाने का अनुरोध करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट का उन्होंने रुख किया था। कुमार की याचिका को न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की अदालत में आज सुनवाई के लिए लिस्ट किया गया था। जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने याचिकाकर्ता को फटकार लगा दी और कहा, इस तरह की याचिकाएं पब्लिसिटी स्टंट पाने के लिए होती हैं। आप पर भारी जुर्माना लगाया जाना चाहिए। कोर्ट ने सुनवाई की तारीख 10 अप्रैल तय की है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता संदीप कुमार से पूछा, केजरीवाल के खिलाफ इस तरह की रिट कैसे जारी की जा सकती है। अदालत ने कहा, चूंकि इस तरह की याचिकाओं का निपटारा एसीजे मनमोहन की अध्यक्षता वाली खंडपीठ पहले ही कर चुकी है, इसलिए मामले को भी उसी पीठ के समक्ष लिस्ट किया जाना चाहिए। इस याचिका में कहा गया कि संविधान का अनुच्छेद 249(a)(4) के तहत उपराज्यपाल को उनके उन कार्यों को करने में सहायता और सलाह देने के लिए मुख्यमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद का प्रावधान है, जिसके संबंध में विधानसभा के पास कानून बनाने की शक्ति है। उपराज्यपाल को सहायता और सलाह व्यावहारिक तौर से तब तक संभव नहीं है जब तक कि मुख्यमंत्री संविधान के तहत अपनी सहायता और सलाह देने के लिए स्वतंत्र व्यक्ति के तौर पर उपलब्ध ना हो। अब इससे पहले भी दो बार ऐसी ही मांग वाली याचिका को खारिज किया गया है। पहली याचिका 28 मार्च को लगाई गई थी और दूसरी याचिका 4 अप्रैल को लगाई गई थी। दरअसल शराब नीति केस में जेल जाने के बाद अरविंद केजरीवाल को सीएम पद से हटाने को लेकर पहली याचिका सुरजीत सिंह यादव ने लगाई थी। हालांकि एक्टिंग चीफ जस्टिस ने 28 मार्च को यह याचिका ये कहते हुए खारिज कर दी कि ऐसा कोई कानून नहीं जो किसी मुख्यमंत्री को जेल के अंदर से सरकार चलाने को मना करे। दूसरी याचिका 4 अप्रैल को लगाई गई थी और उस दिन ही हाईकोर्ट ने इस याचिका को खारिज भी कर दिया था। ये पीआईएल विष्णु गुप्ता की तरफ से दायर की गई थी, जो एक सामाजिक कार्यकर्ता और हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। कोर्ट ने इस याचिका को खारिज करते हुए कहा था कि न्यायिक हस्तक्षेप की कोई गुंजाइश नहीं है, इस मुद्दे की जांच करना राज्य का काम है।